सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और एक और दिन की शुरुआत हो गया। जस्ट क्या है कि अभी हम लोग सो के उठे हैं और यहाँ अपनी जो है आज पाकी भी आ गई है। गुड मॉर्निंग। पाकी स्कूल क्यों नहीं गई? आज संडे है और कल की भी छुट्टी रहेगी ना? नहीं पता, नहीं कल की नहीं पता। क्या है कि आज संडे है तो पाकी है और टीआई स्कूल ही नहीं गई है, तो आज घर में रहने वाले हैं ये लोग भी, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन अभी क्या है कि अपन जा रहे हैं जिम, जिम में चलते हैं, थोड़ा वर्कआउट वगैरह करते हैं, फिर मैं उसके बाद आपसे आके मिलता हूँ। तो यहाँ अपना शंभू तैयार एकदम चलने के लिए, पर यहाँ देखो ये कितना ज़्यादा गंदा हो गया। अब क्या है कि यहाँ पे मैं खड़ी करता हूँ, तो यहाँ पे खड़ी करने के बाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा धूल आती है, तो कितनी साफ़ करके खड़ी कर दो बट फिर भी इस पर धूल चढ़ ही जाती है। तो मैं अभी घर से निकला ही था और घर के नीचे आके देखा तो दो अपने सब्सक्राइबर आके खड़े हैं, बहबा और देव। तो दोनों के पास भाई स्पोर्ट्स वाली साइकिल है तगड़ी, और सुबह सुबह क्या चल रहा है, ये साइकिलिंग चल रही है, रेस चल रही है। तो अभी मुझे दिखाओ फिर दोनों में से कौन जीतेगा, वो जीतेगा ये उधर से आई हो तेज, जब मैं वहां से बोलूंगा ना तब रेडी स्टेडी। तो क्या है कि ऐसे घर के नीचे बच्चे आ जाते हैं ना, अब यहाँ तेज 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 कौन जीतेगा, कौन जीतेगा। ओ बेटे की ये जीत गया, खतरनाक वाली चक्कर। कौन जीता? ये जीता। पता है क्यों जीता? क्योंकि इसके पास जो है ना कोई तगड़ी सी साइकिल है, इसके तो टायर वगैरह भी बहुत ज्यादा मोटे है, दिखाइए भाई। हाँ। तगड़े टायर है ना। हाँ। इसकी स्पोर्ट्स साइकिल है और इसकी भाई की भी सही साइकिल है वैभव की, लेकिन जीत ये गया। चलो अभी मैं जा रहा हूँ जिम, फिर मिलता हूँ तुमसे हैं शाम को। बॉडी बनाना ना बहुत खतरनाक काम है। सो गाइस, अपने वर्कआउट तो कंप्लीट हो गया है और आज चेस्ट का वर्कआउट था तो मैंने अच्छे से किया है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। थोड़ी थोड़ी अब अपनी बॉडी भी चेंज होने लगी है क्योंकि एक ही महीने से मैंने अभी ना वर्कआउट स्टार्ट किया है। बट अब क्या है कि जिम अपना पूरा खाली हो गया है तो सीधे हम भी अपने घर चलते हैं और घर पे जाके आपसे मिलते हैं। मैं आ चुका हूँ अपने घर। रुद्र, ओ रुद्र, क्या कर रहे हो? राजा, राजा, ओए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? ओ तेरी चाचा आ गए, चाचा आ गए, चाचा आ गए, चाचा आ गए, चाचा। क्या चीज भैया, आजकल डांस नहीं हो रहा आपका? कैसे? 1 2 3 4 चाचा आ गए, चाचा आ गए, चाचा आ गए, चाचा आ गए। सो गाइस, अभी जिम से आने के बाद नहा धोके मैं एकदम तैयार तो हो गया हूँ, तो टाइम हो गया अभी ब्रेकफास्ट का। तो आज अपने ब्रेकफास्ट में बनाया क्या, आमलेट बनवाया मैंने और अपना दही। तो आज क्या है कि आमलेट खाना है और दही खाना है, उसके बाद क्या है कि नीचे का कुछ काम है वो जाके कंप्लीट वगैरह करूँगा, फिर उसके बाद यहाँ अपनी एडिटिंग टेबल है इस पर बैठ के समथिंग 2 या 3 घंटे अपनी एडिटिंग ही होगी। और यहाँ आ गई है पाखी। महाराज क्यों आई है आजकल स्कूल? करते रहूँ आजकल, क्या है कि इसकी ना स्कूल की छुट्टी चल रही है, आज छुट्टी है ना, आज छुट्टी है और कल भी इनकी छुट्टी हो जाएगी इनकी। हाँ बता। इसके स्कूल में ना सारे लोग अपना ब्लॉग देखना शुरू कर चुके हैं, मतलब ये मुझे बता रही थी कि काफ़ी सारे लोग हैं इतने जो अपना ब्लॉग देखते हैं। तो क्या है कि अभी अपना नाश्ता वगैरह कर लेता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ कि क्या कुछ करना है। तो गाइस अभी ना काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है और मैं ना छत पे आया था चेरी और मैडी के पास में इन लोगों को पानी देने, तो यहाँ देखो इन्होंने आते ही इतनी धूप में भी खेलना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या है कि अभी यहाँ पर आराम से बैठ जाती हैं, कूलर वगैरह लगा रखा है ना तो उसमें आराम से सो वगैरह लेती हैं। अब नीचे चल के देखते हैं क्योंकि नीचे भी ना घर पे सभी लोग सो रहे हैं। सो गाइस अभी ना शाम के 4 बज रहे हैं और मैं क्या था कि काम करते करते ना थोड़ी देर के लिए सो गया था, क्योंकि आजकल क्या है कि थोड़ी बहुत ना नींद आ ही जाती है गर्मी के टाइम में। लेकिन अभी मैं आपको चीज दिखाता हूँ, ये इसने लगा लिया है, लेकिन ये ना ये जो है ना ये मैं अभी लेके आया हूँ, मतलब मैंने अमेजोन से मंगाया था और ये मेरे पास आ गया है। और जब ये मेरे पास आ गया है ना तो अभी मैं इसका टेस्ट करने जा रहा हूँ
ये हेलमेट पे लगाने के बाद बाइक राइडिंग गॉगल्स जो है ना अपना कैसा लगेगा इसलिए सुनो। देखो मैं इसको पहन के दिखाती हूं कैसा लगेगा। गाइस आपको पता है आपको गाइस वो अफार से टबनी आता है वो हमारे चाचा कहते हैं बहुत काम आएगा। बहुत काम का है स्विमिंग में, स्विमिंग में भी काम आएगा। वैसे ये राइडिंग के लिए है अब तो मैंने इसका भी ट्राई वगैरह नहीं किया है तो बाइक लेके चलते हैं और मैं इसका ट्राई लेके आता हूँ कि मतलब कैसा फील कर रहा हूँ इसे लगाने के बाद, कंफर्टेबल है अभी या नहीं। देखो इसको मैंने ऐसे ना अपने राइडिंग गॉगल्स को हेलमेट में लगा दिया है। अब इसका मैं ट्राई करता हूँ कि कैसा लग रहा है। मैंने ना व्हाइट मंगाया, इसमें मैं कलरफुल भी मंगा सकता था लेकिन जब कभी हेलमेट चेंज करेंगे तो उसके बाद मंगाएंगे दूसरा, लेकिन अभी इसकी ट्राई लेके आते हैं। हो गई अपनी शंभू स्टार्ट, अब चलते हैं और देखते हैं कि कितनी आवाज़ सही से आ पा रही है, क्योंकि इसको लगाने के बाद, चश्मे को लगाने के बाद मुझे क्या है कि मुझको ना वाइज़र जो है इसका वो निकालना पड़ेगा आई थिंक, वो भी पता चल जाएगा क्योंकि वाइज़र तो इसका बंद होने वाला नहीं है, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम है, तो अपने को बस यही ठीक करना है उसके बाद फिर देखते हैं। तो ओहो, लेकिन भाई पहनने के बाद ना बड़ा सही दिख रहा है, एकदम ज़बरदस्त वाली फील आ रही है, एकदम क्लियर दिख रहा है, वाइजर से तो बहुत ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है। ओहो बस ये हवा हवा इसके अंदर आएगी वो, तो यही दिक्कत है कि वॉइस जो है ना इसकी ऑडियो क्वालिटी जो होगी कहीं उसके अंदर प्रॉब्लम ना आ जाए। हो हमको मिला जाम, निकलने दे भैया। ये देखो एक बाइक तीन लोग और नहीं चाहिए हमको हेलमेट, निकलने दे भाई निकल गए। चलो आगे यानी भोलेनाथ से मिलने जाना है, तो अपने को जाना है। अब मैं आपको बता ही देता हूँ कि मैं आप लोगों से कह रहा था कि मुझे राइड पे जाना है, राइड करने की मैं तैयारी कर रहा हूँ, को अभी काफ़ी सारी चीज़ें लेके आनी है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ बाबा केदारनाथ धाम, यानी बाबा केदारनाथ दर्शन करने, और मैं केदारनाथ पहले तो होके आ चुका हूँ लेकिन अपने दोस्तों के साथ गया था, बट इस बार अपना जो प्लान है वो राइड करते हुए जाने का है कि राइड करते हुए जाएंगे बाबा के पास में और अच्छे से दर्शन करके आएंगे, तो क्योंकि केदारनाथ में आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा, तो ये सारी ना उसी की तैयारियाँ चल रही हैं। अभी क्या है कि मैं छोटा छोटा अपना सामान मंगा रहा हूँ, अभी तो मैंने कुछ टाइम पहले GoPro लिया ही है, उसके बाद अभी मेरे को हेलमेट भी लेना है, बट इस वाली राइड पे तो इसी हेलमेट से काम चला लेंगे, अगली राइड पे लेंगे, लेकिन मैंने राइडिंग गॉगल्स मंगा लिया है और कुछ राइडिंग गियर्स वगैरह हैं, जैसे मेरे को अभी ग्लव्स वगैरह चाहिए वो मेरे फट गए थे तो अभी मुझे वो भी लेने हैं, और छोटी छोटी तैयारियाँ मतलब अभी चल ही रही हैं, तो जैसे ही होगा तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि 10 तारीख से पहले ही निकल जाऊँ बाबा के दर्शन करने के लिए, और सोलो भी जा सकता हूँ और या फिर किसी के साथ भी जा सकता हूँ, लेकिन अपने को जाना ज़रूर है। अब थोड़ा सा जो है मैं खींच के भी देख लेता हूँ कि वॉइस कैसी आएगी थोड़ी तेज़ चलाने के ऊपर, क्योंकि वाइज़र तो खुला हुआ है इसलिए। ओ ये सही है भाई, सही है। ओ हो यस, लेकिन भाई दिख इतना बड़े, लेकिन मैं आपको बताऊँ ना कि दिख इतना बढ़िया रहा है ना, एकदम गजब वाला शानदार ज़बरदस्त दिख रहा है। तो गाइस अभी ना 10 बज रहे हैं और मैं ना अभी बस एक हॉस्पिटल से घर पे आया हूँ, क्योंकि एक पड़ोसी हैं उनकी वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, कुछ मतलब प्रॉब्लम वगैरह हो गई थी इसलिए। तो अपन ने क्या है कि हॉस्पिटल वगैरह में जाके कुछ शूट वगैरह नहीं किया क्योंकि वहाँ मुझे पसंद नहीं है हर जगह ब्लॉग करना, इसलिए तो घर पे आ गया हूँ और खाना वाना भी हो गया है। अब क्या है कि बस सोने की तैयारी है, बस ब्लॉग को एडिट करना था तो फाइनल टच देना बाकी है, फाइनल टच देने के बाद एडिट करके एक्सपोर्ट करके मैं सो जाऊंगा और इसे अपलोड कर दूंगा, तो सुबह तक आपके पास ये आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।